चले, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर, इट्स अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जिन्होंने पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे वो लेक्चर देखने लाजमी है। 11 के 11 लेक्चर पीछे वाले बायोकेमिस्ट्री के हो चुके, आज 12वां लेक्चर है, तो वो 11 लेक्चर लाजमी आप लोगों ने देखने हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात है इस लेक्चर की कि अगर किसी ने पीछे वाले 11 लेक्चर नहीं देखे तो क्या वो ये वाला लेक्चर ले सकता है? हाँ, वो ये लेक्चर ले सकता है, इंशाल्लाह ताला उसको समझ आएगा। मैं इस तरह पढ़ाऊंगा कि उसको पीछे वाले 11 लेक्चर कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन 11 लेक्चर वो किस तरह लेने हैं, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन पीछे वाले लेक्चर में हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ी है, वो आपने लाजमी देखनी है। चलो ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए मेरी बात सुने, हमने कहा था सेंट्रल डोगमा होता है, स्टार्ट में जब हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रल डोगमा। अब सेंट्रल डोगमा जो होता है क्या होता है? सेंट्रल डोगमा की दो चीजें होती हैं, एक होती है डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें आपका डीएनए रेप्लिकेट करता है कि डीएनए की डुप्लीकेशन होती है। ठीक है, और एक होता है आपका जीन एक्सप्रेशन। क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन। अब इस जीन एक्सप्रेशन की मजीद दो होती हैं, एक होती है आपकी ट्रांसक्रिप्शन, एक होती है आपकी ट्रांसलेशन। ठीक है, अब तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, हमने उसमें से सेंट्रल डोगमा देखा, हमने डीएनए रेप्लिकेशन देखी, पूरा चैप्टर हमने देखा, जो पिछले पीछे 11 लेक्चर है, कि डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है, उसके बारे में एमसीक्यूज कौन कौन सी आ सकती हैं, डीएनए डैमेज क्या होता है, डीएनए रिपेयर क्या होता है, डीएनए म्यूटेशन क्या होती है, सब कुछ हमने देखा। अब हम बात करते हैं जीन एक्सप्रेशन की। तो जीन एक्सप्रेशन की दो टाइप्स होती है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की, फिर अगले चैप्टर में हम ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो देखें, आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता था कि डीएनए से डीएनए बनता था। दिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, और जो एंजाइम था उसका नाम था डीएनए पॉलीमरेज। अब ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या करना है, हमने डीएनए से आरएनए बनाना है, डीएनए से आरएनए बनाना है, ये दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। फिर इसी आरएनए से हमने प्रोटीन्स बनानी है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, मैं फिर आप लोगों को एक बार फिर ये साफ कर लूं, मैं एक बार फिर आपको बताता हूं। ये सेंट्रल डोगमा तो समझ आ गया होगा, सेंट्रल डोगमा तो पीछे मैंने पढ़ाया हुआ भी है 11 लेक्चर में डिटेल में। इसको देखें, डीएनए से डीएनए का बनना, दिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, फिर इसी आरएनए से प्रोटीन्स का बनना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, ये प्रोसेस होता है। तो आज हमने क्या पढ़ना है? ट्रांसक्रिप्शन। अब एक और चीज कि जब डीएनए से डीएनए बनता था तो जो एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम का नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि बन क्या रहा है, डीएनए बन रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम होगा आरएनए पॉलीमरेज, है ना। जब डीएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए बन रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज। जब डीएनए से आरएनए बन रहा है तब आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन दोनों, आरएनए पॉलीमरेज हो या फिर डीएनए पॉलीमरेज हो, दोनों डिपेंड किस पे करते हैं? डीएनए पे। डीएनए होगा तो इधर से डीएनए दूसरा बनेगा, या डीएनए होगा तो आरएनए बनेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज हो या फिर डीएनए पॉलीमरेज हो, दोनों को बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम्स, डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम्स। अगर हम बात करें, देखें फिर सुन लें, अगर डीएनए से बन रहा है डीएनए, दिस इज कॉल्ड डीएनए डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन, तो इसका जो एंजाइम होता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए बन रहा है। अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो डीएनए से बनता है आरएनए, डीएनए से बनता है आरएनए, एंजाइम का नाम होगा आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन वो भी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। दोनों डीएनए डीएनए के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन एक ट्रांसक्रिप्शन में यूज हो रहा है आरएनए बना रहा है तो उसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज, और एक रेप्लिकेशन में यूज हो रहा है और डीएनए बना रहा है उसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। समझ आ गया है? तो ये है, आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूजिंग डीएनए एज ए टेम्पलेट। तो डीएनए को टेम्पलेट यूज करेगा, डीएनए पे डिपेंड करेगा, और उससे क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। तो जो एंजाइम होगा वो होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन की दो स्टेज है, पहली पहली ये वाली जो अभी भी मैंने बताई है, ये ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना, दूसरा आरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन, ये दूसरी स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज ट्रांसक्रिप्शन।
समझ आ गया ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया भाई, ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया बताएं मुझे, नहीं समझ आया तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं, आगे देखें। अब हम अभी जो है ना ट्रांसक्रिप्शन डिटेल में नहीं देख रहे, अभी हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में सम फैक्ट्स देख रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट है वो कौन कौन से हैं। फिर हम कल जो है ना प्रोक्रियाटिक ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, परसों हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, आज हमने सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के बेसिक कंसेप्ट देखने हैं। तो अभी हमने कहा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है कि डीएनए से आपका क्या बनता है, डीएनए ट्रांसक्राइब होता है फिर आपका आरएनए बन जाता है। तो सम फैक्ट्स अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, तो देखें नॉट ऑल डीएनए इज गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब्ड बिकॉज, देखें वो कहते हैं अगर ये आपका डीएनए है, ये मुकम्मल आपका डीएनए है, ये लेट्स सपोज डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, तो कहता है ये सारा डीएनए ट्रांसक्राइब होके आरएनए में चेंज नहीं हो जाएगा। सिर्फ देखें आपके जो डीएनए होता है इसके तकरीबन इसकी जो है ना इसकी बहुत कॉपीज होती है, इसकी कॉपीज बिलियंस में होती है, तकरीबन इसकी 10 बिलियन कॉपीज होती है, कितनी होती है 3 बिलियन बेस पेयर्स होती हैं। आपका जो डीएनए होता है डीएनए इसकी कितने बेस पेयर होते हैं 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, बेस पेयर्स मतलब 3 बिलियन इसके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ऑलमोस्ट इतना लेंथी होता है, इतना बड़ा होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 to 4% जो डीएनए होता है वो आरएनए में तब्दील होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो डीएनए का जो मोस्टली हिस्सा होता है ना वो किस चीज पर मुश्तमिल होता है, प्रमोटर रीजन के ऊपर, टर्मिनेटर रीजन के ऊपर, स्पेसर के ऊपर, टीलोमर्स के ऊपर, ये मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। प्रमोटर क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है, अभी हम पढ़ते हैं। तो बताने का मतलब क्या है कि आपका मुकम्मल डीएनए ट्रांसक्राइब होकर आरएनए नहीं बना देता, बल्कि सिर्फ 3 to 4% जो है ना वो क्या बनाता है आपका आरएनए बनाता है, बिकॉज मोस्ट डीएनए हैज प्रमोटर स्पेसर एंड टीलोमर्स रीजन। ये टीलोमर्स हमने पीछे पढ़ा हुआ है डिटेल में, इसको जाके आप वहां से देख लेंगे। बाकी प्रमोटर स्पेसर और ये मतलब डीएनए के वो वाले हिस्से होते हैं जो ट्रांसक्राइब नहीं होते, बस इतना देख लें। अच्छा, द जीन विच इज गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। अब मजे की बात ये है कि आपका जो डीएनए है, ये वाला डायग्राम देखें, आपका जो डीएनए है डीएनए के ऊपर जो डीएनए होता है डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम, डीएनए क्रोमोसोम्स पर कंसिस्ट होता है और क्रोमोसोम्स के जीन होते हैं, जैसे कि ये देख लें जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4। अब जिस तरह डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है इसी तरह हर जीन भी क्या होगा डबल स्टैंडर्ड, जीन और कुछ भी नहीं होता, ये आपका डीएनए डबल स्टैंड है। तो ये वाला रीजन ये जीन कहलाएगा, ये वाला रीजन जीन कहलाएगा, ये वाला रीजन जीन कहलाएगा। अगर ये वाला रीजन हम जीन की बात करते हैं तो ये वाला रीजन ये यहां से लेकर यहां तक एक जीन कहलाता है, तो ये भी तो डबल स्टैंड है, एक स्टैंड ये है एक स्टैंड ये है। तो कहते हैं हर जीन के 2 स्टैंड होते हैं, हर जीन के 2 स्टैंड, ये देख लें एक ये वाला स्टैंड एक ये वाला स्टैंड। अगर हम जीन 1 की बात करें, इस जीन की जीन 1 की, तो इसके भी 2 स्टैंड है, कौन से, एक ये वाला स्टैंड एक ये वाला स्टैंड, तो इसके भी 2 स्टैंड है। तो कहते हैं हर जीन के कितने स्टैंड होते हैं, 2 स्टैंड होते हैं भाई। अब अगली बात क्या करता है, अगली बात करता है कि एक स्टैंड को हम नाम देते हैं टेम्पलेट स्टैंड का, एक स्टैंड को हम नाम देते हैं कोडिंग स्टैंड का। अब ये डबल स्टैंड हो गया, एक स्टैंड चलो दूसरे कलर से बना लेते हैं, एक स्टैंड हो गया कोडिंग स्टैंड, एक स्टैंड हो गया टेम्पलेट स्टैंड। अब आपका सवाल होगा सर जी कौन सा स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड है, कौन सा स्टैंड कोडिंग स्टैंड है? तो पहले हम टेम्पलेट स्टैंड देखते हैं। देखें आपका जो जीन है उसके 2 स्टैंड है, अब जब 2 स्टैंड है तो दोनों स्टैंड ट्रांसक्राइब होकर आरएनए नहीं बना देंगे, क्योंकि आपको पता है आरएनए सिंगल स्टैंड होता है, डीएनए डबल स्टैंड होता है। तो क्या दोनों स्टैंड ट्रांसक्राइब होंगे और आरएनए बनाएंगे? नहीं, इसका कोई एक स्टैंड ट्रांसक्राइब होगा और क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। और जो स्टैंड ट्रांसक्राइब होगा जिस स्टैंड को देखकर, भाई मुझे एक बात बताएं, एक बात बताएं, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है? यहां पर बेस होती है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, इस तरह ना आपका डीएनए पॉलीमरेज आता है और डीएनए पॉलीमरेज इसको पढ़ता है कि एडेनिन है, इसके साथ क्या लगा देगा, थायमिन, कंप्लीमेंट्री बनाएगा, ठीक है, वो देखेगा इसके साथ थायमिन है एडेनिन लगा देगा, साइटोसिन है गुआनिन लगा देगा, गुआनिन है साइटोसिन, तो एक और स्टैंड बन जाएगा। तो ये इस तरह एक डुप्लीकेशन हो जाएगी। तो इसी तरह ही आपकी क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। अब डुप्लीकेशन में दोनों स्टैंड यूज होते हैं, ये वाला स्टैंड अपना स्टैंड बना लेता है, ये वाला स्टैंड अपना स्टैंड बना लेता है।
लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन, उसमें एक स्ट्रैंड यूज होता है, और जो स्ट्रैंड यूज होता है उस स्ट्रैंड का नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड, लेट्स सपोज दैट इसके ऊपर एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन लगे हुए हैं तरतीब से, तो इस स्ट्रैंड को आपका आरएनए पॉलीमरेज आएगा, पड़ेगा इधर एडेनिन लगा हुआ है, इधर दूसरे स्ट्रैंड पे थायमिन लगा देगा, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, तो ये दूसरा स्ट्रैंड बना देगा। अब इस स्ट्रैंड से तो आरएनए, अब ये क्या आपका आरएनए है, ये डीएनए का स्ट्रैंड था, ये आरएनए बन गया। अब इस स्ट्रैंड से आरएनए बना, लेकिन ये वाला स्ट्रैंड कोई भी काम नहीं करेगा, इससे कुछ भी नहीं बनेगा, इससे कोई आरएनए नहीं बनने वाला। अब देखिए, द स्ट्रैंड व्हिच इज गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब्ड एंड इज कंप्लीट, अब जो स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा ये वाला स्ट्रैंड जिससे आरएनए बन रहा है, दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जिससे आरएनए नहीं बन रहा, दिस इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। समझ आ गया? अब अगली चीज, अब वो कहता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है ना वो कंप्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल होता है टू द सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, कि जो न्यू स्ट्रैंड बना है, वो कहता है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो न्यू स्ट्रैंड के, टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा वाला जो ट्रांसक्राइब होता है, जो ट्रांसक्राइब होता है, वो कहता है अब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो जो न्यू स्ट्रैंड बनता है आरएनए का, उससे कंप्लीमेंट्री होता है और एंटी पैरेलल होता है। पहले कंप्लीमेंट्री समझे, कंप्लीमेंट्री क्या होता है कि अगर इधर एडेनिन है, इधर थायमिन, इधर एडेनिन, इधर साइटोसिन, इधर गुआनिन, तो इधर साइटोसिन, तो वही वाला फार्मूला, एट गर्ल्स कॉलेज, मतलब एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ, तो आप देख लें कि ये इसका एडेनिन थायमिन के साथ, तो ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री। और एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, एंटी पैरेलल का मतलब है कि अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा तो ऊपर वाला इसका उलट होगा, ये यहां से 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, तो इसका मतलब है ये क्या है, एंटी पैरेलल है। ठीक है, अब एक और मुझे बात बताएं, बड़ी मजे की बात है, इंटरेस्टिंग सी और आसान सी। अब एक बात बताएं, वो ये है कि डीएनए के डबल स्टैंड होते हैं, और हमने कहा है कि डीएनए के दोनों स्टैंड एक दूसरे के क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल, है ना। अगर एक स्टैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, अगर इधर एडेनिन है तो इधर थायमिन होगा, इधर थायमिन तो इधर साइटोसिन, तो इधर अगर एडेनिन है तो इधर थायमिन, इधर थायमिन तो इधर एडेनिन, इधर साइटोसिन तो इधर गुआनिन तो इधर साइटोसिन, तो कंप्लीमेंट्री हो जाएंगे। अब मजे की बात देखें, अब रीडिंग करते हैं हम लोग, अब मेरे ख्याल में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, अब रीडिंग करते हैं हम लोग, बड़ी मजे की है। देखिए, द स्टैंड व्हिच इज गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब्ड इज कॉल्ड टेम्पलेट स्टैंड, ये तो आपको समझ आ गया है, एंड इट इज कंप्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू द सिंथेसाइज्ड स्टैंड, ये वाला आरएनए स्टैंड था, ये वाला बनने वाला, आपको पता है ये इसके कंप्लीमेंट्री, अगर इधर एडेनिन तो थायमिन साइटोसिन, कंप्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल, ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। अगली चीज, कोडिंग स्टैंड देखिए, स्ट्रैंड विच इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब्ड, वो वाला स्टैंड जो ट्रांसक्राइब नहीं होता, एंटी टेम्पलेट स्टैंड होता है, ये टेम्पलेट स्टैंड, एक मिनट होल्ड करें जरा, चले जी, तो जो स्टैंड ट्रांसक्राइब होता है वो टेम्पलेट होता है, जो ट्रांसक्राइब नहीं होता वो कोडिंग होता है या फिर एंटी टेम्पलेट होता है, ठीक है, टेम्पलेट के अगेंस्ट होता है, एंड इट इज आइडेंटिकल टू द सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल। अब वो वाला क्या था, उसके टेम्पलेट स्टैंड आरएनए स्टैंड के क्या था, एंटी पैरेलल और कंप्लीमेंट था, ये उसका आइडेंटिकल है, कैसे बना, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो ये भी क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उधर थायमिन था, इधर भी थायमिन है, उधर एडेनिन था, इधर एडेनिन है, इधर गुआनिन तो इधर गुआनिन, इधर साइटोसिन इधर साइटोसिन। अच्छा, मैंने एक गलती की है, आप लोग ढूंढे, मैंने गलती में बता देता हूँ कहां पर की है, मैंने गलती की है जब मैंने कहा कि ये आरएनए बनता है, तो मैंने कहा कि एडेनिन को देख के इधर थायमिन लगेगा, कि आपके आरएनए में थायमिन होता है कि यूरासिल होता है, वहां पर थायमिन तो नहीं होता, वहां पर तो यूरासिल होता, तो यहां पर यूरासिल होना चाहिए, तो आपके आरएनए जो आरएनए का जो स्ट्रैंड बन रहा है उसमें और कोडिंग स्ट्रैंड में दो फर्क होते हैं, बाकी आइडेंटिकल होता है, क्या फर्क, कि इधर तो थायमिन है क्योंकि ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इधर यूरासिल है, क्यों, क्योंकि ये आरएनए का स्ट्रैंड है, ओके। दूसरी चीज, एंड कोडिंग स्ट्रैंड कंटेन्स डाटा बॉक्स प्रमोटर रीजन बट आरएनए स्ट्रैंड डजंट कंटेन, अब वो क्या बात करता है, वो कहता है कि जो आपका कोडिंग स्ट्रैंड है, जो आपका
जो कोडिंग स्टैंड है उसके ऊपर एक सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं टाटा बॉक्स। क्या बोलते हैं? टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स का मतलब है कि यहाँ पर थायमीन एडनीन थायमीन एडनीन ये यहाँ पर ये रिच होते हैं। अब ये वाला जो टाटा बॉक्स होता है ये आपके कोडिंग स्टैंड पर तो होता है लेकिन ये आपके आरएनए स्टैंड पर नहीं होता। ये टाटा बॉक्स क्या होता है इसको हम डिटेल में प्रोक्रियाटिक ट्रांसक्रिप्शन में देखेंगे। यहां तक समझ आ गया भाई? अच्छा आगे देखिए आप। अब आगे देखिए आरएनए पॉलीमरेज फाइंड्स। अब ट्रांसक्रिप्शन होती कैसे है? अब ये देख लें, यहां पर ये देखें, इस डायग्राम पर फोकस कीजिएगा आप के आरएनए जो पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज ढूंढता है प्रमोटर को, प्रमोटर को ढूंढता है कि प्रमोटर रीजन कहां पे है। प्रमोटर होता क्या है? प्रमोटर ये होता है कि आपका जो डीएनए का डबल स्टैंड है, डीएनए का डबल स्टैंड है ये तो उसके ऊपर एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर रीजन बोलते हैं। क्या आपके डीएनए के ऊपर एक रीजन होता है जिसको हम प्रमोटर रीजन बोलते हैं। अब प्रमोटर रीजन का काम क्या होता है कि प्रमोटर रीजन जिस जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, लेट्स सपोज यहां पर एक जीन वन लगा हुआ है, जिस जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है उस जीन से पहले आपका क्या आता है? प्रमोटर आता है। उस जीन से पहले क्या आता है आपका? प्रमोटर आता है। अब आपका प्रमोटर एक एयरपोर्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह? एयरपोर्ट की तरह। प्रमोटर क्या है आपका भाई? एयरपोर्ट है। अब क्या मतलब है इस बात का? इस बात का यह मतलब है कि आरएनए पॉलीमरेज एक आपका जहाज है। आरएनए पॉलीमरेज एयरपोर्ट को ढूंढेगा जो कि आपके जिस जीन की ट्रांसक्रिप्शन करनी है उस जीन की ट्रांसक्रिप्शन से पहले पड़ा हुआ है। अब आपका आरएनए पॉलीमरेज आएगा, इसके ऊपर लैंड कर जाएगा। अब वो इसके ऊपर लैंड करने के बाद आपके इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा और इसके सिर्फ एक स्टैंड की ट्रांसक्रिप्शन करेगा। उस स्टैंड का नाम क्या है? टेम्पलेट स्टैंड। तो आप देखें आरएनए पॉलीमरेज finds and binds to the promoter region. Promoter region precedes gene. मतलब जिस जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो रही हो उस जीन से पहले आता है। अच्छा promoter region is a binding site for RNA polymerase. मतलब उसके लिए एक binding site है कि आपका RNA polymerase आके उसके साथ bind करेगा। यहाँ पर आपका RNA polymerase आएगा, यहाँ पर आके bind करेगा promoter region के ऊपर। It is present on both template and coding strand. अब आपका जो promoter region होता है ये दोनों strand पर मौजूद होता है। But starts the transcription of only template strand with the help of RNA polymerase. तो वो एक स्टैंड की ट्रांसक्रिप्शन कराता है। No primers required for transcription. हमने डीएनए रेप्लिकेशन में देखा था कि आपका डीएनए इस तरह होता है ना, कर के इस तरह खुला हुआ होता है, फिर आखिर में जाके इस तरह खुला हुआ होता है। तो उसका एक लीडिंग स्टैंड होता है, एक लैगिंग स्टैंड होता है। तो याद करें जरा, हमने वहां पे कहा था कि वहां पे क्या बनते हैं? इस तरह प्राइमर बनते हैं, फिर उस प्राइमर को देख कर फिर नया डीएनए बनता है। अगर समझ आया तो ये डीएनए रेप्लिकेशन का लेक्चर आप पीछे देख लें तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इधर कोई प्राइमर रिक्वायर्ड नहीं होता, उधर डीएनए रेप्लिकेशन में प्राइमर रिक्वायर्ड होते हैं, इधर रिक्वायर्ड नहीं होते। बस आप इतना याद रख ले, कर ले एमसीक्यूज के लिए कि डीएनए रेप्लिकेशन में प्राइमर रिक्वायर्ड होता है, इधर रिक्वायर्ड नहीं होता। ये वाला कंसेप्ट समझा भाई? ये बेसिक कंसेप्ट है, छोटे छोटे। कल जब हम प्रोक्रियोटिक ट्रांसक्रिप्शन डिटेल में पढ़ेंगे ना, फिर हम देखेंगे कि होती कैसे है बेसिकली। ठीक है, सो आरएनए पॉलीमरेज रीड्स द, अच्छा अब ये स्टैंड है दो, टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड। ये टेम्पलेट स्टैंड है। अब वो कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज इधर आएगा, प्रमोटर पे लैंड किया। अब ये जो टेम्पलेट स्टैंड है ऊपर वाला, उसको ये 3 प्राइम इधर एडेनिन साइटोसिन गुआनिन थायमिन एडेनिन ऐसे सीक्वेंस लगा हुआ था। वो कहता है पॉलीमरेज आएगा और 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ इस तरफ रीड करेगा टेम्पलेट स्टैंड को और जो न्यू स्टैंड बनाएगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाएगा। कैसे? एडेनिन को देखकर यूरासिल लगा देगा, साइटोसिन को देखकर गुआनिन, गुआनिन को साइटोसिन, थायमिन को एडेनिन, एडेनिन को देखकर यूरासिल। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वो सिंथेसिस करेगा, ठीक है, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम वो रीड करेगा। ठीक है, तो आप ऐसे देख लें कि आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपने उसके ऊपर 35 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, पहले रीडिंग करने में, एमबीबीएस की रीडिंग करने में, पढ़ाई करने में, फिर 53 लाख रुपए आपने कमाए हैं। क्योंकि जब आप पढ़ जाते हैं तो फिर आप सिंथेसिस करते हैं, यानी प्रोडक्शन जो आपकी होती है वो ज्यादा होती है। तो आपने मतलब रीडिंग जो करनी है, रीडिंग वो 3 to 5 यानी 3 से 5, और ये आपने जो कमाना है जो प्रोडक्ट है वो 5 to 3। समझ आ गया भाई? ठीक है, और वो कहते हैं इसमें वो यूज करता है एटीपी जीटीपी। आपको पता है डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो वो न्यूक्लियोटाइड्स उठाएगा, ये वाला न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड उठाएगा, इनको ऐसे ऊपर नीचे रखता जाएगा, एटीपी जीटीपी
उसके मुताबिक अगर टेम्पलेट स्टैंड में इधर क्या लगा हुआ था, इधर लगा हुआ था थायमिन, तो थायमिन देखेगा टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर, तो उस स्टैंड के ऊपर उसने क्या लगाना है, एडिनिन। तो एडिनिन वो कहां से लाएगा, एटीपी उठाएगा, वहां से एडिनिन लगा देगा। अगर इधर साइटोसिन लगा हुआ था, इधर जीटीपी लगा देगा वो। ठीक है, कौन, आरएनए पॉलीमरेज। यहां तक समझ आ गया भाई, नहीं समझ आया रिस्पॉन्स करें मुझे, बताएं, बस थोड़ा सा रह गया। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट्स ट्रांसक्रिप्शन एट प्लस वन साइट, साइट डाउनस्ट्रीम टू प्रमोटर। अब पहले ये देख लें कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या होती है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या होती है। अब ये देखें, अब जो प्रमोटर होता है ना, प्रमोटर, अब प्रमोटर के ऊपर आप इसको समझ लें कि ये बेस लाइन है, ठीक है। अब जहां पर प्रमोटर होता है ना, जहां पर प्रमोटर, अब प्रमोटर क्या, यहां पर क्या पड़ा हुआ है, जीन पड़ा हुआ है ना। अब प्रमोटर अपने बाद एक मकाम छोड़ देता है, अब प्रमोटर, ये जीन वन है, ये प्रमोटर है, प्रमोटर अपने बाद एक साइट छोड़ देता है। प्रमोटर के बाद जो साइट आती है वो जीरो साइट आती है, फिर जो जीन वाली साइट आती है वो प्लस वन साइट आती है। मतलब जो जीन वाली साइट होगी वो प्लस वन साइट। अब जीन के आपको पता है बेस पेयर होते हैं ना, हर जीन के एक जीन, मतलब जीन क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए कैसे इसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लियोटाइड्स किसका बना होता है, बेस पेयर्स का, इन्हीं एडेनिन साइटोसिन इसी चीज का। अब जो पहली बेस पेयर इधर जीरो साइट को छोड़ देगा, अब उसके बाद जो जीन की पहली बेस पेयर आएगा उसको प्लस वन साइट बोलेगा, फिर जो दूसरा बेस पेयर आएगा उसको प्लस टू साइट बोलेगा। अब और इस तरफ अगर बात करें, इस तरफ बात करें तो इधर प्रमोटर माइनस वन होगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो अगली बेस पेयर आएगी इस साइड पे वो माइनस टू होगी, फिर माइनस थ्री होगी, फिर माइनस फोर होगी इस तरफ। भाई ये समझ आ गई ये चीज कि नहीं समझ आई, ये चीज समझ आई कि नहीं समझ आई। अब चले डन, क्लियर है डॉक्टर अजमत, ओके। अब अगली चीज देखें, अगली चीज क्या है, वो कहता है जब हमने प्लस वन साइड, प्लस टू साइड, माइनस साइड, माइनस टू साइड देखनी होती है, तब हम देखिए हमने टेम्पलेट स्टैंड को कब पकड़ना है, जब हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। फिर वो कहता है कोडिंग स्टैंड का काम क्या है, टेम्पलेट स्टैंड का तो काम समझ आ गया, कोडिंग स्टैंड को हम तब पकड़ते हैं जब हम प्लस वन साइड, प्लस टू साइड, माइनस वन साइड, माइनस टू साइड की बात करते हैं। वो कहता है अपने कोडिंग स्टैंड को देखना है, जब आप कोडिंग स्टैंड को देख रहे हैं तो कोडिंग स्टैंड कौन सा होता है, मुझे ये बताएं कोडिंग स्टैंड कौन सा होता है, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, जो 3 प्राइम टू, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, क्योंकि 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीडिंग होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीडिंग होती है। इसका मतलब है कि 3 प्राइम 5 प्राइम रीडिंग हो रही है, मतलब ये वाला स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड है। तो आपका फिर कोडिंग स्टैंड कौन सा होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टैंड, ऊपर वाला स्टैंड, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टैंड, ये आपका कोडिंग स्टैंड हो गया, लिखा हुआ भी है कोडिंग या एंटी टेम्पलेट स्टैंड। ओके ओके हो गया। अब वो कहते हैं अगर आप कोडिंग स्टैंड को एज ए बेस लाइन लेते हैं तो एनीथिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ये कोडिंग स्टैंड है, अगर आप इसको बेस लाइन ले लेते हैं, प्रमोटर को रेफरेंस लेते हैं, तो एनीथिंग टुवर्ड्स लेफ्ट दिस इज कॉल्ड योर अपस्ट्रीम, इसको हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। और इसको अपस्ट्रीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 5 प्राइम की तरफ मूव कर रहा है, किसकी तरफ मूव कर रहा है, 5 प्राइम, 5 प्राइम बड़ा होता है ना, इसीलिए इसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। एनीथिंग दैट इज टुवर्ड्स राइट, That is your downstream. That is your downstream. और इसको downstream क्यों बोलते हैं? It is moving towards the three prime. देखें, देखें कि coding stand को baseline लें और promoter को reference लें। तो coding stand के ऊपर हर वो चीज, coding stand के ऊपर हर वो चीज जो five prime की तरफ है, that is called upstream. Coding stand के ऊपर हर वो चीज जो promoter के right side की तरफ है, that is downstream. अब यहाँ पर एक मजे की बात आती है, वो क्या? कि जो अपस्ट्रीम होती है वो होती है माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। हालांकि अपस्ट्रीम तो प्लस में होनी चाहिए थी, लेकिन उलट होता है, और डाउनस्ट्रीम माइनस में होनी चाहिए लेकिन ये प्लस में होती है, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री में होती है। ठीक है भाई, समझ आ गया है? अब समझें कि दो स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड। अगर हम कोडिंग स्टैंड को एज ए बेस लाइन लें और कोडिंग स्टैंड को बेस लाइन लेकर प्रमोटर को रेफरेंस लें, अब प्रमोटर को रेफरेंस लें तो प्रमोटर क्या है, अब प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर जो है ना 3 प्राइम की तरफ, डाउनस्ट्रीम की तरफ जो है ना जीरो साइड को छोड़ देता है, पहली बेस पेयर को, पहले जीरो साइड को छोड़ देता है, फिर जीन की पहली बेस पेयर जो कि प्लस वन साइड है, ये वाली साइड, इधर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कराता है, ठीक है। और प्रमोटर को, प्रमोटर की लेफ्ट साइड की तरफ, 5 प्राइम की तरफ, अपस्ट्रीम की तरफ, वो क्या होते हैं आपके, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री होते हैं, उस तरफ कुछ भी नहीं होता।
आपकी ट्रांसक्रिप्शन किस तरफ होती है, डाउन स्ट्रीम होती है और डाउन स्ट्रीम प्लस वन होती है, क्योंकि पहले जीरो साइड आती है, प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज जीरो जीरो साइड को छोड़ देता है, फिर प्लस वन साइड पे जो जीन की पहली बेस पेयर होती है उसको देखता है, अगर पहली बेस पेयर एडेनिन है तो उसको देख के वो यूरासिल लगा देगा इधर आपके आरएनए के ऊपर, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाएगा और 3 प्राइम टू 5 प्राइम सिंथेसिस करेगा। समझ आ गई है भाई, समझ आई कि नहीं? आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट्स ट्रांसक्रिप्शन, चलें आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट्स ट्रांसक्रिप्शन प्लस वन साइड, तो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन कहां करता है, प्लस वन साइड पे करता है, और प्लस वन साइड अपस्ट्रीम है कि डाउनस्ट्रीम है बताएं मुझे, डाउनस्ट्रीम है, क्या है, डाउनस्ट्रीम है, और डाउनस्ट्रीम किसकी तरफ है, 3 प्राइम की तरफ है, 5 प्राइम की तरफ है, तो डाउन है तो 3 प्राइम की तरफ है, और प्लस है तो डाउनस्ट्रीम होगी, ठीक है। और अगली चीज बस हो गया, 3 प्राइम की तरफ डाउनस्ट्रीम और प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया, और प्लस वन साइड, प्लस वन साइड क्या है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के बाद एक साइड छोड़ देगा जो कि जीरो साइड है, फिर उसके बाद प्लस वन साइड से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा। साइट डॉट स्ट्रीम टू प्रमोटर ऑफ दैट जीन रीजन, सो प्रमोटर इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब। अच्छा, अब मुझे बताएं क्या प्रमोटर की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, नहीं, आरएनए के, आरएनए पॉलीमरेज ने आया, ये समझे आरएनए पॉलीमरेज है, आया प्रमोटर के ऊपर लैंड किया, फिर प्रमोटर की भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं की, प्रमोटर के बाद एक जीरो साइड थी उसकी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं की, फिर उसके बाद गया जीन के पास जो जीन की पहली बेस थी मतलब प्लस वन साइड थी उसकी ट्रांसक्रिप्शन कराई, तो क्या प्रमोटर की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, नहीं, तो क्या प्रमोटर आरएनए में होगा, नहीं, तो जो टाटा बॉक्स हमने थोड़ी देर पहले कहा है, टाटा बॉक्स एक प्रमोटर होता है, तो टाटा बॉक्स सिर्फ आपके कोडिंग और टेम्पलेट रीजन के ऊपर होता है, जबकि वो ट्रांसक्राइब होता तो यहां पर भी होता आरएनए के ऊपर, लेकिन वो ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा है इसलिए टाटा बॉक्स यहां पर नहीं होता, तो टाटा बॉक्स कोडिंग रीजन के ऊपर होता है कोडिंग स्टैंड के ऊपर, और टाटा बॉक्स आरएनए प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होता। समझ आ गई चीज अभी कि टाटा बॉक्स वहां होता है और यहां क्यों नहीं होता। अच्छा, टू द लेफ्ट एक सेकंड में साफ कर लो, टू द लेफ्ट अगर हम प्रमोटर को रेफरेंस लें और कोडिंग स्टैंड को बेस लाइन लें, टू द लेफ्ट तो उसकी लेफ्ट साइड की तरफ 5 प्राइम साइड की तरफ, या फिर हम इसको अपस्ट्रीम, क्योंकि 5 प्राइम की तरफ जा रहा है तो अपस्ट्रीम की तरफ, ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बेसिस, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करती है वहां से मतलब प्लस वन साइड से, प्लस वन साइड से अगर हम लेफ्ट मूव करें, 5 प्राइम की तरफ मूव करें या अपस्ट्रीम की तरफ मूव करें, तो जो बेसिस होती है वो क्या कहलाती है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन इफ यू टेक द कोडिंग स्टैंड एज ए बेसलाइन, ठीक है। अगली चीज, टू द राइट, अब इस जहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन कहां स्टार्ट हो रही है, प्लस वन साइड के ऊपर, इसके राइट साइड की तरफ 3 प्राइम की तरफ डाउनस्ट्रीम की तरफ, टू द राइट 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम की तरफ ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बेसिस आर कॉल्ड +2, +3, क्योंकि प्लस वन तो आ गई उसके बाद +2, +3 टेकिंग कोडिंग स्टैंड एज बेसलाइन, ठीक है। बस अब जो बात आपने याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, आपने चीज क्या याद रखनी है, आपने चीज ये याद रखनी है कि एनीथिंग दैट इज एट लेफ्ट साइड ऑफ जीन इज अपस्ट्रीम, ठीक है। अगर हम कोडिंग स्टैंड की, टेम्पलेट स्टैंड की नहीं, कोडिंग स्टैंड की, अगर कोडिंग स्टैंड की बात करें तो ये जहां पर जीन है, लेट्स सपोज दैट, तो जीन के जो लेफ्ट साइड की तरफ है वो अपस्ट्रीम, जो राइट साइड की तरफ है वो डाउनस्ट्रीम, सिंपल सी बात, ठीक है। एनीथिंग दैट इज राइट साइड ऑफ जीन डाउनस्ट्रीम। और आपने याद क्या रखना है, आपने याद ये रखना है कि प्रमोटर इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब्ड, पहली चीज ये, प्रमोटर इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब्ड, इज जस्ट वर्क एज एट एयरपोर्ट, कि आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर लैंड करेगा और प्लस वन साइड से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, कि प्रमोटर ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा, प्लस वन ट्रांसक्राइब हो रहा है, ठीक है ये चीज। और दूसरी चीज आपने याद क्या रखनी है कि कोडिंग स्टैंड ट्रांसक्राइब नहीं होता, टेम्पलेट स्टैंड ट्रांसक्राइब होता है, टेम्पलेट स्टैंड कंप्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल होता है, और कोडिंग स्टैंड जो है ना आइडेंटिकल होता है आरएनए प्रोडक्ट के, मां सिवाय के आपके आरएनए में यूरासिल होता है थायमिन की बजाय, और कोडिंग स्टैंड में थायमिन होती है, और टाटा बॉक्स होता है आपके कोडिंग स्टैंड में क्योंकि वहां पर प्रमोटर रीजन होता है, और आरएनए में प्रमोटर रीजन ट्रांसक्राइब नहीं होता तो वहां पर टाटा बॉक्स नहीं होता, अगर ट्रांसक्राइब होगा तो मतलब आगे भी आएगा, वो आगे आ ही नहीं रहा, ट्रांसक्राइब का मतलब होता है आगे शिफ्ट ही नहीं हो रहा वो। अच्छा, और चीज
और बस यही कि आरएनए पॉलीमराइज 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करता है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में वो सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में चीजें समझ आ गई। अच्छा, अगली चीज जो है, अगली चीज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ जीन डायरेक्ट फ्रॉम प्रमोटर टू टर्मिनेटर। अब होता क्या है कि अब आपके आरएनए पॉलीमरेज ने इस प्रमोटर के ऊपर लैंड किया, प्रमोटर के ऊपर, और फिर प्लस वन साइड से टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर, प्लस वन साइड किसकी, टेम्पलेट स्टैंड की, उधर उसने क्या पढ़ा कि यहां पर पहली बेस को पढ़ा एडेनिन लगा हुआ है, तो यहां पर क्या लगा देगा, यूरासिल। साइटोसिन लगा हुआ है, गुआनिन लगा देगा। अब ऐसे पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा, आगे एक वक्त आएगा कि एक और रीजन आएगा डीएनए का, जैसे प्रमोटर था वहां पर आएगा टर्मिनेटर। क्या आएगा? टर्मिनेटर। जब वो टर्मिनेटर को देखेगा तो अपनी जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको टर्मिनेट कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, फिनिश कर देगा, खत्म कर देगा कि हाँ जी मेरी ट्रांसक्रिप्शन मुकम्मल हो चुकी है। अब मुझे बताएं ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन क्या है कि प्रमोटर से टर्मिनेटर की तरफ। तो ये आपने डायरेक्शन भी याद रखनी है कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ जीन डायरेक्ट फ्रॉम प्रमोटर टू टर्मिनेटर ऑन टेम्पलेट स्टैंड। सो ट्रांसक्रिप्शन एंड्स व्हेन आरएनए पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर। अभी मैंने बताया आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट हैव प्रूव रीडिंग एक्टिविटी, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज की होती है। हमने देखा था ना कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, जब डीएनए पॉलीमरेज ये उसने डीएनए के एक स्टैंड को देख रहा है उसको देख रहा है, एडेनिन की जगह उसने थायमिन लगाना है, साइटोसिन की जगह गुआनिन की जगह उसने साइटोसिन लगाना था, लेकिन उसने थायमिन लगा दिया, थायमिन की जगह एडेनिन, अब वो आगे चला गया। अब आपको जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो यहां पर पहुंच गया है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज के पास एक एक्टिविटी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। मतलब वो वापस आएगा, दोबारा पढ़ेगा कि मैंने सही लगाया है, एक के साथ एडेनिन वो कहते हैं हाँ जी मैंने ठीक लगाया है, साइटोसिन के साथ गुआनिन हाँ जी मैंने ठीक, गुआनिन के साथ मैंने साइटोसिन लगाया, वो कहते हैं नहीं यार ये तो मैंने गलती कर दी है, तो ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी वो फिर आके इसको करेक्ट करेगा। लेकिन आपके आरएनए पॉलीमरेज के पास ये वाली एक्टिविटी नहीं होती। आरएनए में कैसे रीड होता, आरएनए में भी मतलब कैसे, मतलब सब क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। आरएनए भी ऐसे रीड होता है, आरएनए में भी आप ऐसे ही रीड करेंगे जैसे आप डीएनए में रीड कर रहे हैं, 3' to 5' रीड करेंगे और 5' to 3' न्यू बनाएंगे। लेकिन आरएनए के पास ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती, जैसे डीएनए पॉलीमरेज वापस आया कि अगर कोई गलती हो गया तो मैं उसको ठीक करूं, लेकिन आपका आरएनए इस गलती को ठीक नहीं करता। नहीं, आरएनए में जो एरर है वो एरर रह जाता है। डॉक्टर अजवत, आरएनए में जो एरर है वो एरर रह जाता है, वो ठीक नहीं किया जाता। ठीक है, तो आपने क्या चीजें याद रखनी है, जो चीजें आपने याद रखनी मैं बता देता हूँ। ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है, डीएनए एज ए टेम्पलेट यूज होता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज होती है जीन एक्सप्रेशन की, उसके बाद तमाम डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होता, उसका कुछ हिस्सा ट्रांसक्राइब होता है। जो जीन ट्रांसक्राइब होता है उसके दो स्टैंड होते हैं, टेम्पलेट स्टैंड ट्रांसक्राइब होता है और ये कम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल होता है। कोडिंग स्टैंड ट्रांसक्राइब नहीं होता और ये जो है ना आइडेंटिकल होता है, मास वाइज में यूरासिल होता है और आरएनए प्रोडक्ट में यूरासिल होता है और कोडिंग स्टैंड में थायमिन होता है, और कोडिंग स्टैंड के पास स्टार्टर बॉक्स होता है और उसके पास स्टार्टर बॉक्स नहीं होता, और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के रीजन के ऊपर लैंड करता है और प्रमोटर को ट्रांसक्राइब नहीं करता, बल्कि प्लस वन साइड को ट्रांसक्राइब करता है और इसमें कोई प्राइमर रिक्वायर्ड नहीं होता। उसके बाद ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज की तरह बिल्कुल 3 to 5' रीड करता है और 5 to 3 बनाता है। उसके अलावा ये मैंने आपको ये बता दिया कि ट्रांसक्रिप्शन प्लस वन साइड पर स्टार्ट होती है, बाकी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये याद कर लें कि एनीथिंग दैट इज एट द लेफ्ट साइड अपस्ट्रीम, दैट इज एनीथिंग टुवर्ड द राइट साइड ऑफ द जीन डाउनस्ट्रीम। जो डाउनस्ट्रीम होती है वो प्लस में होती है और जो अपस्ट्रीम होते हैं वो माइनस में होते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन आपकी प्रमोटर टू टर्मिनेटर होती है, और जब टर्मिनेटर आता है तो जिस तरह प्रमोटर के आने से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है तो टर्मिनेटर के आने से वो खत्म होती है, और आरएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग नहीं होती जबकि डीएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग होती है। बस छोटा सा रह गया, बल्कि अभी रहता है, चले बस 10 मिनट लगने हैं। इनहेंसर क्या होता है, इनहेंसर क्या होते हैं डॉक्टर अजीत, पहले समझ चले फिर पीडीएफ के बारे में बात करते हैं। ये आपको बुक मिल जाएगी, मेरे हाथ की लिखी हुई है। ठीक है, चले इनहेंसर क्या होते हैं, इनहेंसर डीएनए के ऊपर रीजंस होते हैं वेयर रेगुलेटरी प्रोटीन्स एक्टिवेटर्स बाइंड। अब लेट्स सपोज दैट के ये जीन है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, तो इनहेंसर इसके ऊपर रीजन होगा। लेट्स सपोज दैट ये एक रीजन है, तो इनहेंसर क्या है, इनहेंसर इज नथिंग एल्स, इट इज द रीजन ऑफ डीएनए, ये डीएनए का कोई भी रीजन है। अब इस रीजन का काम क्या है कि आपकी प्रोटीन्स, कौन सी प्रोटीन्स, रेगुलेटरी प्रोटीन्स, कौन सी प्रोटीन्स, रेगुलेटरी प्रोटीन मतलब जो रेगुलेशन कराती है, वो वाली प्रोटीन्स आएंगी और इस रीजन के ऊपर जाके बाइंड कर जाएंगी। जब वो इस रीजन के ऊपर बाइंड करेंगी, बाइंड करने के बाद वो इस जीन की जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको इनहेंस कर देंगी, उसकी ट्रांसक्रिप्शन को
बढ़ा देंगी, इसलिए इन रीजंस को हम इनहेंसर रीजन बोलते हैं। समझ आ गया इनहेंसर क्या होते हैं? कि इनहेंसर डीएनए के ऊपर रीजन होते हैं, ये रीजन डीएनए के करीब भी हो सकते हैं, डीएनए से दूर, मतलब इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है तो वो इस ट्रांसक्रिप्शन वाले जीन के पास भी हो सकते हैं, इससे बहुत दूर भी हो सकते हैं और इस जीन के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वो रीजन होते हैं जिनके ऊपर रेगुलेटरी प्रोटीन्स आके बाइंड करती हैं, फिर आपके जीन की ट्रांसक्रिप्शन को इनहेंस कराती हैं, बढ़ाती हैं, तो इनको इनहेंसर बोलते हैं। और साइलेंसर क्या होते हैं? साइलेंसर सेम वही चीज, साइलेंसर भी क्या होते हैं? रीजन होते हैं जो आपके डीएनए के करीब भी हो सकते हैं, जीन के करीब भी हो सकते हैं, जीन से दूर भी हो सकते हैं, जीन के अंदर भी हो सकते हैं, और इन रीजन के ऊपर आप रेगुलेटरी प्रोटीन्स नहीं बल्कि अब रिप्रेसर प्रोटीन्स, कौन सी रिप्रेसर प्रोटीन्स आके बाइंड करती हैं, और बाइंड करने के बाद इस ट्रांसक्रिप्शन की जो इस जीन की जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको सप्रेस कर देती है, साइलेंस कर देती है, उसको कम कर देती है, इसीलिए इनको साइलेंसर बोलते हैं। ये भी समझ आ गया? डीएनए रीजंस वेयर रेगुलेटरी प्रोटीन्स रिप्रेसर्स, देखें दोनों रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन जो इनहेंसर है उसमें एक्टिवेटर्स प्रोटीन्स होती हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स का नाम होता है एक्टिवेटर्स, जो साइलेंसर है उधर रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन उनका नाम होता है रिप्रेसर्स व्हिच बाइंड एंड डिक्रीज एक्सप्रेशन, यानी उसकी ट्रांसक्रिप्शन को कम कर देती है। अब नोट कि इनहेंसर एंड साइलेंसर्स मे बी लोकेटेड क्लोज टू फार फ्रॉम इवन विद इन द जीन, ये जीन के करीब भी हो सकती है, ठीक है, जीन से दूर भी हो सकती है, जीन के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। इन इंट्रॉन रीजंस हूज एक्सप्रेशन दे रेगुलेट, जिस जीन की एक्सप्रेशन को वो रेगुलेट करते हैं, कम करते हैं, उसकी ट्रांसक्रिप्शन को ये ज्यादा करते हैं, उस जीन की बात कर रहा है, उस जीन के अंदर भी हो सकते हैं, उस जीन के दूर भी हो सकते हैं, और उस जीन से पास भी हो सकते हैं। स्पेसर डीएनए का ये वो रीजन होता है जहां पर समझ लें कि वो ट्रांसक्राइब नहीं होता, स्पेसर वो वाला रीजन होता है जो ट्रांसक्राइब नहीं होता। अच्छा, इंट्रॉन्स क्या होते हैं? ये इंट्रॉन्स आपका जो जीन होता है ना उसके दो रीजन होते हैं, एक होता है एक्सॉन और एक रीजन होता है आपका इंट्रॉन, फिर एक्सॉन फिर इंट्रॉन फिर एक्सॉन फिर इंट्रॉन, ऐसे आते रहते हैं। जो एक्सॉन होता है हमेशा ये ट्रांसक्राइब होता है, इंट्रॉन ट्रांसक्राइब नहीं होता, इसको हम आगे पढ़ेंगे। एक्सॉन के पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, इंट्रॉन के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, ये ऐसे ही फालतू सा किस्सा सा होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो साइलेंसर और इनहेंसर समझ आ गया भाई? अच्छा, अब फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बड़ा आसान सा है। वो कहते हैं मैसेंजर आरएनए दैट इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, वो कहते हैं ये आपका डीएनए था, डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड था, उससे आपकी ट्रांसक्रिप्शन हुई, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आपका क्या बन गया, सॉरी हाँ ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आपका बल्कि एक सेकेंड, ये डीएनए है, ये डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड है, ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। अब टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर हुई ट्रांसक्रिप्शन और उससे क्या बन गया आपका मैसेंजर आरएनए। अब वो कहते हैं मैसेंजर आरएनए कहाँ बनता है, ये रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन, ये आपका सेल है उसमें न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर होती है दोनों, ट्रांसक्रिप्शन भी और रेप्लिकेशन भी। जब न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होती है तो डीएनए से क्या बन जाएगा आपका मैसेंजर आरएनए। अब वो कहते हैं ये वाला मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलकर कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में, ये आपको पता होगा बेसिक कंसेप्ट है। साइटोप्लाज्म में वो किसके पास आता है, राइबोसोम्स के पास, ये राइबोसोम्स पड़े हुए हैं, राइबोसोम्स के पास क्या आता है मैसेंजर आरएनए, फिर राइबोसोम्स इन मैसेंजर आरएनए से क्या बना देता है, प्रोटीन्स बना देता है, क्या बना देता है, प्रोटीन्स, यानी ट्रांसलेशन कर देता है। तो ये जो सारा मेथड है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड में ट्रांसक्रिप्शन होना, मैसेंजर आरएनए का बनना, फिर मैसेंजर आरएनए का न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आना, राइबोसोम्स के पास जाना, फिर राइबोसोम्स का इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स का बनाना, ये सारा दिस इज कॉल्ड फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। तो आप देख लें कि पहले डीएनए था, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन्स बन गई, तो ये है आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है डीएनए से प्रोटीन्स में। तो देखें जरा, मैसेंजर आरएनए दैट इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये हमने पहले पढ़ा है कि जो आरएनए बनेगा वो क्या होगा, एंटी पैरेलल और कंप्लीमेंट्री होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड का। दिस मैसेंजर आरएनए प्रोडक्ट लीव्स द न्यूक्लियस एंड मूव्स टू साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स राइबोसोम्स, ये भी हमने पढ़ा है। अगली चीज, अब जब वो राइबोसोम्स के पास जाता है तो जो मैसेंजर आरएनए है, मुझे एक चीज बताएं, जो आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज है वो कैसे रीड करता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करता है और बनाता कैसे है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब राइबोसोम्स जो है ना,
रेबोसोम्स इस मैसेंजर आरएनए को पढ़ेंगे, रेबोसोम्स इस मैसेंजर आरएनए को पढ़ेंगे और इससे क्या बना देंगे, अमीनो एसिड्स। ठीक है, आपको पता है क्या बना देंगे, अमीनो एसिड्स। अच्छा, आपको पता है तीन तीन जो बेसिस होती है, ये तीन बेसिस तीन तीन बेसिस एक एक अमीनो एसिड को जाहिर करती है। ठीक है, ये तो आपको पता है। चले अगली चीज देखें। अब क्या होगा कि आपका मैसेंजर आरएनए किसके पास पहुंच गया, रेबोसोम के पास। अब रेबोसोम क्या करता है, रेबोसोम इस मैसेंजर आरएनए को पढ़ता है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज डीएनए और आरएनए को पढ़ते हैं और उसको ट्रांसफर चेंज करते हैं डीएनए और आरएनए में, डिफरेंट चीज आरएनए अपने आप में डिफरेंट चेंज करता है, डीएनए डीएनए में चेंज करता है, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए आरएनए में चेंज करता है। तो इसी तरह आपका जो रेबोसोम होता है वो मैसेंजर आरएनए को पढ़ता है। अब ये जो पढ़ता है ये डिफरेंट पढ़ता है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ता है। आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं कि हम लोग 35 लाख लगाते हैं एमबीबीएस के ऊपर, उसकी रीडिंग करने में, एमबीबीएस की रीडिंग करने में। फिर प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट होता है वो आरएनए होता है ना, जो जो न्यूसेंथिसाइज करते हैं, जो बनाते हैं, वो ज्यादा बनाते हैं, 53 लाख हम बनाते हैं, फिर कमाते हैं फिर। लेकिन रेबोसोम कहते हैं कि मैं उलट हूं, मैं भाई 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ूंगा और फिर मैं क्या बना दूंगा, अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड। हर तीन जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एक कोडान को जहर करते हैं और एक कोडान एक मखसूस आपके आपके अमीनो एसिड को जहर करता है। ठीक है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो फिर जो आपकी ये होती हैं अमीनो एसिड्स, ये फिर अमीनो एसिड को जोड़ देता है आपस में, इस तरह। जब ज्यादा अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो क्या बन जाती है, आपकी प्रोटीन्स बन जाती है। एक और चीज आपको पता है, अमीनो एसिड का फार्मूला किस तरह होता है, इस तरह सी डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच, सी एन एच टू, इस तरह होता है ना। तो वो कहता है कि वो बनाता किस तरह है, वो बनाता है अमीनो, एक तरफ से अमीनो एंड लगाता है, दूसरी तरफ से कार्बोक्सिल एंड, और उसकी डायरेक्शन अमीनो टू कार्बोक्सिल होती है। इस तरह प्रोटीन्स को ऐड करता है एक दूसरे के साथ, पहले मेथिनिन लगाएगा, अमीनो ग्रुप उसका इस तरफ होगा, फिर उसका कार्बोक्सिल ग्रुप इस तरफ होगा, फिर उसके देखें ये NH2, फिर इसका कार्बोक्सिल ग्रुप इस तरफ होगा, किसका, मेथिनिन का। अब इसका अगली जो ग्लाइसिन है उसका फिर अमीनो ग्रुप इस तरफ होगा NH2, वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर अगला ऐसे ऐसे, यानी इस तरफ कार्बोक्सिल एंड आएगा लास्ट में और इस तरफ अमीनो, सो अमीनो टू कार्बोक्सिल बनाएगा। तो कहने की बात क्या है, सिंपल सा समझ ले, कहने की बात ये है कि आपके जो आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करते हैं और 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाते हैं। जो आपका मैसेंजर आरएनए, सॉरी, जो आपका रेबोसोम है वो मैसेंजर आरएनए को 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ता है और जो न्यू प्रोटीन बनाता है वो अमीनो टू कार्बोक्सिलिन बनाता है। ठीक है, ये था द रेबोसोम्स ट्रांसलेट द मैसेंजर आरएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन टू सिंथेसाइज द प्रोटीन्स फ्रॉम अमीनो टू कार्बोक्सिल टर्मिनल। भाई समझ आ गया, बस खत्म हो गया हमारा ये लेक्चर आज का। बताएं कोई सवाल हो तो, या कोई चीज समझ ना आई हो। क्लियर हो गया डॉक्टर अजवत, रह भी डॉक्टर अजवत, डॉक्टर अल्थान और मैं गए हैं, बाकी ने लीव कर लिया है, बोरिंग लेक्चर हो गया था क्या, समझ आ गया डॉक्टर अल्थान, डॉक्टर अल्थान आर यू प्रेजेंट, चलें अगर क्लियर है तो फिर क्लास डिसमिस।